पुणे की वो रात, पोर्शे कार, नशे का खुमार। जी हाँ, पुणे में जो कुछ हुआ उसकी चर्चा पूरे देश में है, लेकिन उस हादसे से पहले जो कुछ हुआ ये कम लोगों को पता है। दरअसल बिगड़ेल रईस जादे ने कार में सवार होने से पहले क्या क्या किया था उसकी बात मैं आपको बताऊंगा, और क्या है अंदर की बात और वो किस हालत में कार में सवार हुआ था ये जानना जरूरी है। जरा सोचिए कि जो शख्स इस कदर नशे में था, इस कदर नशे में धुत था कि जिससे कहते हैं कि गाड़ी चलाना तो बहुत दूर की बात है, खुद चल के घर चला जाए वो बड़ी बात थी। तो बात जो है वो शुरू होती है पार्टी से। बिगड़ेल रईस जादे ने परीक्षा पास करने की ऐसी खुशी मनाई जो किसी की जिंदगी में बनाई। शाम को वो अपने घर से पोर्शे कार में निकला था पार्टी करने के लिए। दोस्तों को उसने पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी थी, और ये पार्टी बताया जाता है करीब रात के 9 बजे शुरू हो गई थी। अब आप अंदाजा लगाइएगा कि जो ये वाकया है पूरा वो रात के करीब 2 बजे के बाद का बताया जा रहा है, और 2 बजे से पहले तक यानी 9 बजे से शराब पीने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो लगभग जो है 5 घंटे तक चला। आप सोचिए 5 घंटे में कोई शख्स कितनी शराब पी सकता है, ये आप भी समझ सकते हैं। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, यहां मैं जरूर आप सबसे कहूंगा, क्योंकि अंजाम इस तरीके का होता है। लेकिन हां, इतना जरूर कहूंगा कि जो मैं आपको किस्सा बता रहा था, जो बात धीरे धीरे परत खुल रही है, उस रात की कहानी जो सामने आ रही है, पहले एक पब में वो अपने दोस्तों के साथ जाता है, वहां 2 घंटे बिताता है करीब, फिर उसके बाद दूसरे पब में जाता है, वहां भी शराब पी जाती है। इस तरीके से आप सोचिए कि वो बिगड़ेल रईस ज्यादा नशे में धुत हो चुका था। अब इतने के बाद अगर कोई गाड़ी चलाता है तो जरा सोचिए क्या होगा। वैसे ही कुछ हुआ, नशे का ऐसा खुमार के जो स्पीड थी वो करीब 200 के पार हो चुकी थी पोर्शे कार की, और यही वजह है कि बेकसूर इंजीनियरों की जान भी चली गई। बात तो यह भी है कि उसे अकेले नशे का खुमार नहीं था, उसे अपने दौलत का नशा था, क्योंकि बताया जाता है कि बिल्डर बाप का ये बेटा जिसके बाप की संपत्ति जो है वो सैकड़ों करोड़ रुपए है, उसका एक अलग खुमारी थी उसके अंदर। यानी कि जिस तरीके से उसकी परवरिश हुई या दौलत का नशा उसके अंदर सवार था, उसे परवाह ही नहीं थी किसी चीज की। यही वजह है कि पहले पुलिस पर सवाल उठे इस केस में, फिर सवाल ये उठा कि कौन उसे इजाजत दे सकता है इस तरीके से इस नशे की हालत में गाड़ी चलाने की। तो तमाम चीजें ये परत दर परत खुलती हुई नजर सामने आ रही है, क्योंकि बेकसूर इंजीनियरों की जान चली गई। कहानी में यही है कि वो पहले तो सवाल उठा, हालांकि बाद में उसके पिता को हिरासत में लिया गया, जो जिस होटल में पार्टी दी गई वहां के मैनेजरों को हिरासत में लिया गया, होटल को भी सीज कर दिया गया, ये सब बाद में हुआ। लेकिन उससे पहले जरा सोचिए जो मैं आपको बता रहा था कि 5 से लेकर 6 घंटे तक नशे का खुमार रहे और कोई कार में सवार हो जाए तो इस तरीके की जो हादसे हैं उसके पीछे सोचना होगा गुनाहगार कौन है। हालांकि पुलिस केस को सुलझाने में अपनी कामयाबी की बात कह रही है, लेकिन कब तक वो बचेगा जो जिम्मेदार है ये देखना होगा। पुणे से कृष्ण पंचाल के साथ ओंकार वागले ने आप तक खबर पहुंचाई है, आप देखते रहें अभी तक।